अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज का क्विज नंबर 14, और इस क्विज के अंदर हमारे पास मौजूद है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच आर टेकन फ्रॉम द प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियो, तो ये आपके लिए आज जो है वो प्रोडक्टिव साबित होने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और आपके पास कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। ये बुक है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ये बुक जो है बहुत ही फेमस बुक है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि ये बुक जो है वो किसने लिखी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अल्लामा इकबाल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सिकंदर मिर्जा या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, OIC स्टैंड फॉर, OIC की एब्रीवेशन क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये चीज आपने याद रखनी है कि पहले OIC की एब्रीवेशन कुछ और होती थी। पहले OIC की एब्रीवेशन थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो कि 2011 के अंदर जो है वो चेंज होगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आपने इसकी एब्रीवेशन यही बतानी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सिटी द यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड। कौन से शहर के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्रिएट हुए थे। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, शंघाई, सान फ्रांसिस्को, स्लोवाकिया या सैन मैरिनो। तो इसका आंसर हमारे पास है सान फ्रांसिस्को। तो आपने याद रखना है कि सान फ्रांसिस्को के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्रिएट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वट इज द मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन तंजानिया। तंजानिया के अंदर मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो कौन सी है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, क्लोव्स एक्सपोर्ट, माइनिंग, ऑयल बेस्ड या शुगर और कोकोनट बेस्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है माइनिंग। सो माइनिंग इज द मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चाइना टाइम्स इज द ऑफिशियल न्यूज पेपर फॉर विच कंट्री। चाइना टाइम्स जो है वो कौन से मुल्क का जो है वो ऑफिशियल न्यूज पेपर है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, रशिया, ताइवान, चाइना, अफगानिस्तान। अब क्या होता है कि चाइना टाइम्स जो लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स जो है वो चाइना को ऑप्शन सेलेक्ट कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना टाइम्स जो है वो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ताइवान का, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो चाइना जो है वो सिलेक्ट कराते हैं चाइना टाइम्स पढ़ के, लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ताइवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द मुस्लिम वर्ल्ड विच कंट्री हैज द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम। मुस्लिम वर्ल्ड की अगर बात करें तो कौन से मुल्क है जो आपके पास मेंशन किए गए मुल्क उसकी जो है वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कुवैत, यूएई, कतर, ओमान। तो इसका आंसर हमारे पास है कतर। तो कतर जो है उसकी जो है वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सेटेलाइट वॉज लॉन्च इन 1965, इट्स नेम वॉज। अब क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर ही मिल गई है कि जो दुनिया की पहली कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी वो 1965 के अंदर जो है वो लॉन्च हुई थी। अब इसका नाम क्या था वो आपने बताना है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टायरोस 1, अर्ली बर्ड, सोयुज 1 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है अर्ली बर्ड। तो दो बातें हमें इस क्वेश्चन के अंदर पता चली जो कि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, कि दुनिया की पहली कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो थी वो 1965 के अंदर जो है वो लॉन्च हुई और उसका नाम था अर्ली बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच कंट्री नेशनल फ्लैग देयर इज एन ईगल एंड अ स्नेक। एक ऐसी कंट्री है जिसके फ्लैग के ऊपर, परचम के ऊपर एक ईगल बना हुआ है और एक स्नेक बना हुआ है। वो कौन से नेशनल फ्लैग जो है, कौन सी कंट्री का नेशनल फ्लैग है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, मैक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या पेरू। तो इसका आंसर हमारे पास है मैक्सिको। मैक्सिको का जो फ्लैग है आपने वो देखना है, उसके ऊपर आपको ईगल भी मिलेगा और स्नेक भी मिलेगा। अब आपने क्या करना है कि गूगल पे जाना है और आपने उधर सर्च करना है कि मैक्सिको का फ्लैग की पिक्चर, तो उस पिक्चर में आपको शो हो जाएगा कि उसमें ईगल भी और स्नेक भी है। अगर आप ये चीज देखेंगे गूगल पे जाके तो ये चीज आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगी, क्योंकि जब इंसान रिसर्च करता है तो रिसर्च करते हुए जो चीजें इंसान को मिलती है वो इंसान के जो है मेमोराइज जो वो इनबिल्ट हो जाती है। वो चीजें बहुत ही कम है कि चांसेस हैं कि वो भूले। तो मैक्सिको का जो फ्लैग है उसके ऊपर ईगल भी और स्नेक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज फ्लैग हैज रेड सर्कल ऑन ग्रीन बैकग्राउंड। यानी कि कौन से कंट्री का ऐसा फ्लैग है कि बैकग्राउंड ग्रीन है और उसके दरमियान में जो है वो रेड सर्कल है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मलेशिया, बांग्लादेश, फ्रांस, कनाडा। तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का आपने फ्लैग देखना है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो सारा ग्रीन है और दरमियान में एक रेड सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
द मैक्रॉन मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन। मैक्रॉन मेडिकल जो कॉलेज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तुर्बत, क्वेटा, गवादर या कराची। तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्बत। तो आपने याद रखना है कि जो मैक्रॉन मेडिकल कॉलेज है वो तुर्बत में लोकेटेड है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।